एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन बॉक्सर एंड डॉक्टर के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली तयंग और जोंगकुक दोनों बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ चुका था। जिम के एक मेंबर अनाउंसर बनकर गेम स्टार्ट होने से पहले सबको इंट्रो देने लगता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेम के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज की मैच टीम ब्लैक ने ऑर्गेनाइज किया है। चलिए गाइस, अब हमारे पहले पार्टिसिपेट जो कि ऑल टाइम हॉट हैंडसम लिस्ट में शामिल रहता है और एक हॉटेस्ट नंबर वन एथलीट भी है, और वो बहुत बार पंचिंग मशीन को भी तोड़ दिया है, जिसके लिए उन्हें फाइनली ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। और आप एक कभी भी पंचिंग मशीन में अपने पंच नहीं आजमा सकते। द वन द ओनली लाइट हैवी वेट चैम्पियन द एम्पायर किम तायंग, तंग गुस्से में कहता है। व्हाट द फक, किस तरह का इंट्रो था, बकवास। फिर वह आदमी कहता है, और हमारे चैलेंजर ए है टीम ब्लैक के एक शूटिंग स्टार, इनका एक मैजिक टच से ही लोगों को ठीक करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए अब इस अनइवेंट मैच को तालियों से शुरू करते हैं। सब लोग एक साथ शाउट करने लगता है, सब डॉक्टर जियोन को चेयर करने लगता है। डॉक्टर जियोन, आप एक कर सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं। तभी तयंग कहता है, यदि डॉक्टर जियोन इन तीन राउंड में 3 मिनट में मेरे चेहरे पर एक बार हीट करने में सक्सेस हो जाता है तो वो एक गेम जीत जाएगा। तभी वो टीम मेंबर कहता है, ओ दैट्स अ प्रीटी तयंग ह्योंग, क्या आप इस बारे में श्योर तो हो ना। तयंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। फिर जोंगकुक से कहता है, तुमने एक बार भी पहले मुक्का मारा था, बस इसे याद करो। डॉक्टर, बस अभी वही करना है, ठीक है। तयंग के वर्ड सुनने के बाद जोंगकुक के माइंड में बाथरूम वाली फ्लैशबैक आ जाता है, जब उसने तयंग के फेस पर गलती से पंच कर दिया था। जोंगकुक बेबसी से तयंग के आंखों में देख रहा था। तयंग एरोगेंटली एटीट्यूड के साथ कहता है, ऑफ कोर्स उस वक्त मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, सब कुछ बहुत जल्द हो गया था और मुझे पता ही नहीं था तुम ऐसा करोगे, लेकिन इस बार तुम इतने आसानी से नहीं जीत पाओगे, मैं तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगा। इनफैक्ट इसे लेकर मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूँ, तुम ये नहीं कर पाओगे। तभी टीम मेंबर शाउट करके कहता है, ओहो ये टोटली पॉसिबल है ह्योंग, अब क्यों डॉक्टर जियोन को इतना कम समझ रहे हो। हो सकता है डॉक्टर जियोन के पास कोई सीक्रेट मूव्स हो और वह अपने सीक्रेट मूव से ये मैच जीत जाए। तब उनके तरफ एंग्री लुक देते हुए कहता है, ओह दैट्स एनफ, ए पीनट गैलरी भी कुछ ज़्यादा ही होता है। जोंगकुक तयंग के तरफ देखकर शिवरिंग वॉइस में पूछता है, और अगर मैं जीत गया तो। ये सुनकर तयंग आईब्राउज ऊपर कर हंसते हुए कहता है, क्या अगर तुम जीत गए तो, तुम सच में ऐसा सोचते हो कि तुम जीत सकते हो। ओके अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे कोई भी एक विश ग्रांट करूँगा। जोंगकुक कहता है, विश। तभी अनाउंस होता है, ठीक है जेंटलमैन, अब मैच को शुरू करते हैं, लेट्स डू दिस। फिर दोनों आपस में हाथ मिलाकर फाइट को स्टार्ट करता है। सब लोग जोंगकुक के लिए चेयर करने लगता है, डॉक्टर जियोन आप एक कर सकते हैं। जोंगकुक वो तो ऑलरेडी पसीनों से लथपथ हो चुका था। जोंगकुक स्लो स्टेप के साथ जैसे ही तयंग के क्लोज जाने की कोशिश करता है, उसी वक्त तयंग जोंगकुक के स्टमक पर एक पंच कर देता है। पंच पड़ते ही जोंगकुक काफ करने लगता है। जोंगकुक तयंग के एक ही पंच से अपने नी पर आ चुका था। तभी वो अनाउंसर कहता है, अरे एक क्या डॉक्टर जियोन तो एक ही पंच में अपने नी पर आ गया है। तभी टीम के बाकी मेंबर्स भी जोंगकुक के हालत को देखकर शाउट करने लगता है, हाउ कुड यू ह्योंग, आपने ऐसा क्यों किया, आपने तो कहा था आप डॉक्टर जियोन के साथ बहुत जेंटल होकर गेम प्ले करेंगे, आपको नहीं लगता एक अनइवेंट मैच है। डॉक्टर जियोन वो तो लड़ना भी नहीं जानता और आप उनके साथ बहुत रफ हो रहे हो, ये ठीक नहीं है।
तैयंग कहता है, हे शट अप, मैं डॉक्टर जियोन के साथ बहुत जेंटल हूँ, मैं बस हल्के से पंच किया। डॉक्टर जियोन वो बहुत लाइट वेट की हैं, इसलिए हवा के साथ उड़कर वो ग्राउंड पर जाकर गिरा और उसे चोट आई। इसमें मैं गलत नहीं हूँ। तभी अनाउंसर जोंगकुक को उठने में मदद करता है और कहता है, डॉक्टर जियोन क्या आप ठीक हो? क्या हम इस मैच को ही ख़त्म कर दें? अगर आप ठीक नहीं हो तो हम अभी इस मैच को ख़त्म कर सकते हैं। जोंगकुक बुरी तरह खांसते हुए भी कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये मैच ख़त्म करना चाहता हूँ और अभी तो बस ये मैच स्टार्ट ही हुआ है। मैं ठीक हूँ और मैं एक कर सकता हूँ, तैयंग इस मार्क करके कहता है। गुड, तुमने अभी गिव अप नहीं किया। अगर तुम इतने इजीली गिव अप कर लेते तो कोई फन ही नहीं रहता। अभी तो मैच शुरू हुई है। जोंगकुक तैयंग की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगता है, इसका मतलब तो अब मुझे मिस्टर किम को सच में हीट करना होगा, तभी मैं उनसे मैच जीत सकता हूँ, वरना मैं ये मैच नहीं जीत सकता। एक्चुअली मुझे नहीं पता अब मैं एक कैसे करूँगा, लेकिन कैसे भी करके मुझे करना ही होगा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है, जब वो सामने रहता है मैं तो उनके सामने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सांस ले पाता हूँ। मैच कैसे जीत पाऊँगा, ये मुझे डरा रहा है। तभी तैयंग कहता है, हे डॉक्टर जियोन, तुम इस तरह स्टैचू की तरह खड़े रहने वाले हो या फिर तुम मुझे हिट भी करोगे? इस तरह से क्या देख रहे हो तुम? ऑल राइट, तो फिर तुम मुझे अलाउ करो। ये कहकर तैंग इमीडिएटली जोंगकुक के फेस पर एक हिट कर देता है। जोंगकुक खुद को बचाने के लिए फेस के ऊपर दोनों हाथ रख लेता है। तैंग उस पर हिट पे हिट किए जा रहा था। तैयंग कहता है, एक क्या है, क्या तुम सच में मुझे अपने आप को हिट करने दोगे? क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक बार भी हिट नहीं करोगे? अपने लिए कुछ नहीं करोगे? इस तरह हाथ ऊपर करके खड़े रहने से तुम गेम कभी नहीं जीत पाओगे। जोंगकुक का तो फेस रोने जैसा हो गया था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, वो मुझे हिट पे हिट किए जा रहा है, वो तो मुझे संभालने का मौका तक नहीं दे रहा है। अगर मैं खुद को नहीं संभाल पाई तो मैं उनको हीट कैसे करूँगा? मुझे तो अभी से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आगे के गेम में कैसे प्ले करूँगा? तैंग को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तैंग गुस्से में हाथ ऊपर करके एक और पंच फेस पर मारते हुए कहता है, यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि तुम एक साकर हो, उन गुंडों की तरह जो तुम्हारे पीछे आए थे। जोंगकुक फिर से अपने नी पर आ जाता है, लेकिन तैंग का लास्ट लाइन सुनते ही उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जोंगकुक तुरंत उठ जाता है। तैंग ये देखकर सरप्राइज होकर कहता है, ओ। जोंगकुक तैयंग को पंच करने जाता है पर वो इसमें फेल हो जाता है। तैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, क्या सच में ये एक मुक्का था? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें इतना ईजिली जीतने दूंगा? तैंग उसके चेहरे पर एक और पंच कर देता है। जोंगकुक बुरी तरह हाँफ रहा था और बहुत ज़्यादा थक भी चुका है वो। तैंग फिर से कहता है, चलो बस थोड़ा और हिम्मत करो, क्या तुम्हारे लिए पहले से ही एनफ था? तभी कोई कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे तैयंग ह्योंग कोई बच्चे के साथ खेल रहा है। तभी दूसरा कहता है, हम सबको ग्रेटफुल होना चाहिए कि तैयंग ह्योंग खेल में डॉक्टर जियोन के साथ ज़्यादा डायरेक्टली नहीं प्ले कर रहा है, स्पेशली उनके उस पर्सनैलिटी के साथ भी वो डॉक्टर जियोन के साथ बहुत जेंटल होकर गेम खेल रहा है। अचानक तैयंग भागते हुए आकर जोंगकुक को अपने कंधे पर उठाकर ग्राउंड पर पटक देता है। तैंग नी पर बैठकर कहता है, क्या तुम सच में रिंग के अंदर भी बॉटम पर आना चाहते हो? तुम एक बॉटम बनना चाहते हो? तैंग अपने नी जोंगकुक के चेस्ट के ऊपर रखकर प्रेस करते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ डॉक्टर जियोन, अगर तुम्हारा ओपोनेंट इस तरह से तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है और इस तरह तुम्हें ग्राउंड के साथ दबा देता है तो तुम्हारा खेल तो ख़त्म। तभी अनाउंसर वहाँ आकर कहता है, टाइम इज़ अप ह्योंग, बस बहुत हुआ, अब बस
अगर गेम जारी रहा तो अब डॉक्टर जॉन का सारा बोन्स को ब्रेक कर देंगे। तयंग एंग्री लुक देते ही वो फिर से कहता है, ह्योंग एनाफ, अगर ये जारी रहा तो आप डॉक्टर जॉन का पसलिया तोड़ दोगे। ओ नो डॉक्टर जॉन, आपका नोज, आपके नोज से तो खून निकल रहा है, क्या आप ठीक हो? जोंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ खेल को मत रोको, इसे चलने दो। जोंगकुक को पकार कर खड़ा करते हुए वो फिर से कहता है, ठीक है अब हम मैच के लास्ट राउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब उसे चेयर करने लगता है, लेट्स गो डॉक्टर जॉन, गेट अप डॉक्टर जॉन। जोंगकुक के नी शेक करने लगता है। तंग कहता है, चलो उठो, तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत गुस्सा भरा होगा ना। जोंगकुक उठकर तयंग के चेस्ट पर एक लाइट पंच करता है जिससे तयंग को कुछ भी नहीं हुआ, वो जरा भी नहीं हिला। तयंग कहता है, बस इतना ही? तभी टीम मेंबर सिर पकड़ कर कहता है, अरे यार तयंग ह्योंग ने तो डॉक्टर को पूरी तरह मिटा दिया है, मुझे सच में डॉक्टर जॉन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे पता है तयंग ह्योंग का एक पंच खाने के बाद आपके हालात खराब हो जाता है, और मैं अब तक तयंग ह्योंग को चेयर कर रहा था, लगता है आज तयंग ह्योंग डॉक्टर जॉन के शरीर के सारे हड्डी को तोड़ कर ही रहेगा। तभी यून को मन ही मन सोचता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, डॉक्टर जॉन ने तयंग ह्योंग के साथ लड़ने के लिए एग्री क्यों हुआ, और तयंग ह्योंग एक नौ सिख्या के साथ इतना हार्डली क्यों प्ले कर रहा है, दोनों में असल में क्या डील हुआ है। तभी तयंग कहता है, चलो अब इसे ख़त्म करें, उसने इतना कहा ही था। तभी जोंगकुक अचानक से दोनों हाथों से तयंग के कमर को टाइटली होल्ड कर लेता है। जोंगकुक तयंग के दोनों हाथ को भी जकड़ लिया था। तयंग जोंगकुक के अचानक मूव से हैरान होकर उसे देखने लगता है। तभी एक टीम मेंबर कहता है, ओहो डॉक्टर जॉन ने तयंग ह्योंग को जकड़ लिया है। तभी दूसरा कहता है, ये सही मूव है, डॉक्टर जॉन ने सही किया, यदि तुम अपने ओपोनेंट को इस तरह से हक कर लेते हो तो वो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। तभी यून को सोचता है, काश डॉक्टर जॉन के जगह पर मैं होता इस वक्त, और मैं तयंग ह्योंग को इस तरह हक कर पाता। जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, मैं अब और अधिक देर तक इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझ में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तयंग अब इरिटेट होकर कहता है, व्हाट द डॉक्टर जॉन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तभी वहाँ कोच आ जाता है। कोच अंदर आते हुए कहता है, बॉयज तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, हम तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेकर आए हैं। सब चिकन का नाम सुनकर शाउट करने लगता है, वाह चिकन। तंग पीछे की तरफ फेस टर्न करके कहता है, व्हाट? जोंगकुक नोटिस करता है तयंग का ध्यान अभी उस पर नहीं है। जोंगकुक इसी का फायदा उठाकर फाइनली तयंग के फेस पर एक पंच कर देता है। जोंगकुक के पंच करते ही सबके मुंह खुल जाता है, हाँ। तयंग के फेस तो देखने लायक था, दोनों आईब्राउज एक साथ हो गया था, और सरप्राइज लुक से जोंगकुक को ही देख रहा था। तभी जिम टीम मेंबर शाउट करने लगता है, अमेजिंग डॉक्टर जॉन जीत गया है। जोंगकुक अपने घुटनों पर बैठकर मन ही मन तयंग के बात याद करने लगता है, ऑफ कोर्स तब मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जीतने दूंगा, मुझे नहीं पता था मैं इस मैच को जीत जाऊंगा। जोंगकुक कहता है, तुमने मैच पर ध्यान ही नहीं दिया, तो तुम्हें मैच पर ध्यान देना चाहिए था, और शर्त के अनुसार मैंने तुम्हें हिट कर दिया और मैच जीत गया। तंग अब भी हैरान होकर उसे ही घूर रहा था, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। जोंगकुक फिर से कहता है, मैंने तुम्हें हिट कर दिया और अब मैं जीत गया, तुमने कहा था अगर मैं मैच जीत गया तो तुम मेरी एक विश पूरा करोगे, राइट? तयंग कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें फिर से और मानी चाहिए? जोंगकुक कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ एक बार यूनगुक के साथ फाइट करो। ये सुनकर यूनगुक के आंखें बड़ी हो जाती हैं, मैं बस तुमसे इतना ही पूछना चाहता था,
आज मेरे साथ फाइट करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर पोटैटो का चेहरा लाल हो जाता है। तयंग कहता है, क्या पोटैटो के साथ फाइट करना, क्या यही तुम्हारी विश है? तभी टीम मेंबर रिंग के अंदर आकर जोंगकुक से कहता है, डॉक्टर जोन, एक कैसा बकवास है, आपका इतना बेकार सा और अजीब सा ड्रीम था कि तयंग ह्योंग पोटैटो के साथ एक बार फाइट कर ले। तयंग कहता है, व्हाट, एक क्या है, हाउ बोरिंग। तयंग पोटैटो की तरफ देखकर कहता है, हे पोटैटो, बी रेडी बाय नेक्स्ट वीक। पोटैटो कहता है, यस सर। जोंगकुक टॉवल से लिप्स के कॉर्नर से खून साफ करते हुए पोटैटो के तरफ देखकर स्माइल करता है। पोटैटो मन ही मन कहता है, डॉक्टर जियोन तो सच में एक एंजल है और मैं इतने देर तक पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। डॉक्टर जियोन इज द बेस्ट। पोटैटो रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर जियोन, थैंक यू सो मच। पोटैटो भाग कर जोंगकुक को हक कर लेता है। जोंगकुक कहता है, ओ श्योर। तयंग का तो ये सब कुछ देखकर दिमाग खराब हो रहा था। तयंग गुस्से में हाथ से ग्लव्स निकालते हुए मन ही मन कहता है, व्हाट अ सर्कस। सब बातें करने लगता है, फिर भी मैंने सोचा डॉक्टर जोन हर तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, लेकिन फाइनली डॉक्टर जोन जीत गया और ये मैच ख़त्म हो गया। मैच के बाद सब चिकन इंजॉय करने जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।